पेरेडोफ का क्वेश्चन नंबर 6.234 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कोई ऐसा एग्जाम बाकी नहीं जहां पूछा ना गया हो। जेई मेन्स हो, जे एडवांस हो, नीट हो, डिफरेंट बोर्ड्स के एग्जाम हो, सब जगह, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, मैं पढ़ भी रहा हूँ और इस क्वेश्चन में बहुत सारी कैलकुलेशन करूँगा, उसको ध्यान से देखना, सीखना, समझना, क्योंकि आगे आने वाले सभी क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेशनरी, ध्यान से सुनना, स्टेशनरी लेड न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विथ काइनेटिक एनर्जी टी अल्फा 5.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, पहला पार्ट हो गया ये। दूसरा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी लिबरेटेड इन द डिके इज अकाउंटेड बाय द रिक्वाइल एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन डॉटर लेके गया ये बताना है और डॉटर की वेलोसिटी बतानी है। तो देखो, सबसे पहली बात, मान लो लेड था, ये लेड किसी डॉटर में बन जाता है, मैं इसके नहीं जाता हूँ क्या प्रोडक्ट बनता है, मैंने इसको डी लिख रखा डॉटर, एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो इसको मैं जेड माइनस टू लिख दूंगा और यहाँ पे चार कम हो जाएगा तो 196 लिख दूंगा, अल्फा हो जाएगा, कुछ एनर्जी निकल जाएगी, ऐसा है। पहला वर्ड जो बोला था स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या है, पहले हमारा न्यूक्लियस रेस्ट पे था, मतलब हमारे न्यूक्लियस का मोमेंटम जीरो है, तो पहले अगर मोमेंटम जीरो था, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, सब कुछ अंदर का ही बात है, तो इसका मतलब बाद का भी मोमेंटम जीरो होगा, मतलब इनका दोनों का मिला के मोमेंटम जीरो होगा, ठीक है। इन दोनों का मोमेंटम मिला के क्या होगा, जीरो होगा, मतलब मोमेंटम इसका इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, जो भी लिखा हमने पी इनिशियल इज इक्वल टू डॉटर का मोमेंटम प्लस अल्फा का मोमेंटम, सम जीरो होगा, इसको लिख दिया जीरो, ठीक है। इसका मतलब डॉटर का जो मोमेंटम आएगा उसका माइनस टाइम्स अल्फा का आएगा, मतलब डॉटर जिधर जाएगा उसके जस्ट अपोजिट अल्फा जाएगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसको मान लो पी बोल देते, ठीक, समझ में आ गया। आपको पता है जब भी कभी हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m, इसको हम लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो अगर हम मोमेंटम निकालना चाहें तो मोमेंटम वैल्यू क्या आ जाएगी, टी टाइम्स ऑफ 2m का रूट ओवर, एक बात ये हो गया। अब यहां क्वेश्चन में क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा दिया है, तो अगर मैं लिखूं मोमेंटम ऑफ अल्फा तो मोमेंटम ऑफ अल्फा लिखूं चाहे मोमेंटम ऑफ मैं डॉटर लिखूं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी अल्फा मास ऑफ द अल्फा का रूट ओवर, ठीक है। अब हमसे बोला गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द डॉटर, अब वेलोसिटी ऑफ द डॉटर अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द डॉटर, वेलोसिटी ऑफ द डॉटर इज इक्वल टू 2 टी अल्फा एम अल्फा, तो ये वेलोसिटी ऑफ द डॉटर क्या हो जाएगा, ये 2 टी अल्फा मास ऑफ द अल्फा, ठीक है, मास ऑफ द डॉटर, ये आ जाएगा वेलोसिटी। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा एग्जाम है जहां ये ना पूछा गया हो, हर एग्जाम में पूछा गया है, क्या किया हमने, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, ठीक। अब अगली बात करते हैं, क्या बात है, देखो अगर इनका मोमेंटम सेम है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, अगर इनका मोमेंटम सेम है तो पता है तुम्हें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द अल्फा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द डॉटर। तो अल्फा और डॉटर का जो काइनेटिक एनर्जी रेशियो होगा, एम डॉटर डिवाइड बाई एम अल्फा हो जाएगा। ये जो रिलेशन है जरा इसको ध्यान से पढ़ के देखो, सीख के देखो, सोच के देखो क्या लिखा है। ये लिखा है अल्फा पार्टिकल हल्का होगा डॉटर से, वो 196 है, वो 4 है, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की एनर्जी वो डॉटर के मास के प्रोपोर्शनल है, मतलब अल्फा बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी यही लेके भाग जाएगा, ठीक है, और ये बहुत कम लेके जाएगा। ये जो मैंने बात बोली अभी, मैं न्यूमेरिकल डेटा भी एक में कैलकुलेट कराऊंगा, तो ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, इतना ज़्यादा आता है कभी कभी हम इसको इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इग्नोर ही कर देते हैं इसके सामने, समझ आया, क्यों, क्योंकि मास के रेशियो के हिसाब से। देखो अल्फा की एनर्जी लिखोगे तो डॉटर का मास लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए जो क्यू है, ये क्यू क्या है, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी और डॉटर की काइनेटिक एनर्जी मिला के है, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, और देखना। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो अगर मैं लिखूँ टी अल्फा, ठीक है, टी अल्फा लिखूँ तो क्या आएगा, टी अल्फा क्या आएगा, मास ऑफ द डॉटर प्लस मास ऑफ द अल्फा, इनवर्स रेशियो में है ना, मास ऑफ द डॉटर। ये अगर डॉटर काइनेटिक एनर्जी लिखूँ तो क्या लिखो, क्यू एम डी, और मास ऑफ द डॉटर मास ऑफ द अल्फा, ठीक है, ऐसा। पता है, इसी का मैं उल्टा पोर्शन लिखना चाहता हूं,
ये अल्फा होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मैं उल्टा लिखना चाहता हूँ, उल्टा क्या लिखना चाहता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, अगर मुझे टी अल्फा पता हो तो क्या लिखेंगे, टी अल्फा, ठीक है, मास ऑफ द डॉटर मास ऑफ द अल्फा डिवाइड बाई मास ऑफ द डॉटर। क्यों लिखूंगा कब, अगर मुझे डॉटर की काइनेटिक एनर्जी पता हो तो मास ऑफ द डॉटर प्लस मास ऑफ द अल्फा डिवाइड बाई मास ऑफ द अल्फा, ठीक है। अब आप सोचोगे ये सब तो पूछा नहीं है, नहीं पूछा होगा, क्या करना हमें, ये हमने जो लिखा है ये रिलेशन आपको रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि आगे के सभी क्वेश्चन में मैं इसको फटाफट यूज़ करूँगा और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो अगला पोर्शन है वो क्या पोर्शन है, कितना एनर्जी टोटल का कितना एनर्जी हमारा अल्फा की मतलब डॉटर की काइनेटिक एनर्जी में गया। तो हमसे जानते क्या पूछा है, हमसे तो ये पूछा है, हमसे पूछा है टी डी डिवाइड बाई क्यू। सो टी डी डिवाइड बाई क्यू क्या आएगा, एम अल्फा डिवाइड बाई एम डॉटर प्लस एम अल्फा, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था, बहुत कम फ्रैक्शन जाता है, अब चेक करके देखो, अल्फा का मास 4 और डॉटर प्लस अल्फा का मास मिला क्या हो जाएगा 200, तो कितना आएगा ये 0.02 फ्रैक्शन, ये तो आएगा 0.02 फ्रैक्शन, मतलब समझते हो 2% पूरी एनर्जी का 98% ये लेके जाएगा और इसको क्या मिलेगा 2%। अब सोचेंगे अरे ये कैसे हो गया, मोमेंटम तो सेम है, हाँ मोमेंटम सेम है लेकिन मास डिफरेंट डिफरेंट हो गया, इसलिए ज्यादा फ्रैक्शन ये लेके चला जाएगा, कम फ्रैक्शन ये लेके जाएगा, ठीक है। तो डॉटर जो है रुका रहेगा, ऑब्वियस हैवी है वो धीरे धीरे खिसकेगा, वो फर्स्ट बहुत तेज चला जाएगा, फास्ट चला जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लो, समझ लो, सीख लो और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आने वाला क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। ड्रोव का क्वेश्चन नंबर 6.239 है और मैं ये क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपके स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है। टेकिंग द वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मासेस फ्रॉम द टेबल्स, पीछे टेबल दिया हुआ है रेडोफ की बुक में, वहाँ से देख लेंगे हम। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड बाय बेरिलियम 10 न्यूक्लियाई एंड करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वाइलिंग डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म डायरेक्टली इन ग्राउंड स्टेट। मतलब हमारा जो फाइनल न्यूक्लियस बन के आया वो एक्साइटेड नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे पीछे से हमने पहले ही कुछ कैलकुलेशन लिख रखी, हाँ अभी हमने क्वेश्चन किया था 6.234, उसी के कैलकुलेशन हमने लिख रखी है, बस थोड़ी कैलकुलेशन अलग कर दी हमने, वो क्या वो भी हम आपको बताते जाते हैं, जरा ध्यान से सुनो। ये जो बेरिलियम है ये कन्वर्ट हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या हो जाएगी, ये आएगी मास डिफेक्ट इनटू ये। मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं, बीटा को मिला है, इसका मतलब यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगेगा, ध्यान से सुनना, मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगेगा और मास एनर्जी कंजर्वेशन भी लगेगा, लेकिन ये मैक्सिमम एनर्जी लेके जा रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी ये लेके जा रहा है तो इसको कुछ भी मोमेंटम नहीं मिलेगा, इसको मोमेंटम मिलेगा और इसको मोमेंटम मिलेगा, ये अपना बहुत कम एनर्जी लेके जा रहा है, ठीक है। सो यहां से हमने टेबल से, ठीक है, मास डिफेक्ट देख लिया, एक्सेस मास ये लिखे हैं हमने, एक्सेस मास को माइनस कर दिया, आपके पीछे टेबल दिखी है वहां से देख लेना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 931.5 से, तो ये एनर्जी रिलीज हुई। ऐसा मैंने अभी पहले ही बताया था कि बहुत कम एनर्जी लेके जाता है डॉटर, ठीक है, क्योंकि मास का अगर देखो बीटा पार्टिकल और डॉटर में मास का बहुत बड़ा फर्क है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये बीटा पार्टिकल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है और ये एक न्यूक्लियस है बोरॉन का, तो क्या जाएगा बहुत ज़्यादा मास का फर्क होगा, तो एनर्जी में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, अभी देखना कैसे आएगा। तो ये पहले वाली इक्वेशन थी, तो यहाँ अल्फा की बजाय कौन है, बीटा है, तो जहाँ जहाँ अल्फा था वहाँ वहाँ मैं बीटा किए देता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, सब जगह बीटा किए देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा, सब जगह मैं बीटा किए देता हूँ, तो ये सारे जो रिलेशन थे बीटा करते चले जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, खैर मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं था, मैं तो यहाँ सीधा आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ बीटा लिख देता हूँ, यहाँ पे बीटा लिख देता हूँ, ठीक है, ये भी बीटा, सब बीटा कर देता हूँ फटाफट, ठीक है, ये मास ऑफ द बीटा, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। तो अब मैं अपने मुद्दे वाली बात पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पूछा कौन कितना काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा, तो ये देखो बीटा इतनी एनर्जी लेके जाएगा ये, ठीक है, और डॉटर ये, अब खुद बताओ डॉटर की जब एनर्जी निकालने की बात आई
और इसकी एनर्जी निकालने की बात आई, ये इतना फ्रैक्शन तो दोनों में एक ही जैसा है। यहां बीटा के मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहां पे इसके मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो 10। कितना ज्यादा फर्क है, इसका मतलब ज्यादा फ्रैक्शन एनर्जी यही लेके जाएगा, ये तो कम फ्रैक्शन एनर्जी लेके जाएगा। ठीक है, अब जब इनमें हम वैल्यूज भरते हैं ना, इनमें जब वैल्यू भरोगे, डॉटर का मास रखोगे 10 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, तो अगर आप अप्रोक्सीमेशन भी लगाओ तो बीटा इस डॉटर के आगे नेग्लिजिबल है, तो इसको हटा दो, तो मास ऑफ बीटा डिवाइड बाय डॉटर इनटू क्यू, यहाँ क्या आएगा, ये हटा दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो टोटल एनर्जी होगी लगभग लगभग वही तुम्हारा डॉटर लेके जाएगा। आंसर भी देखो पीछे, आंसर पीछे यही आ रहा है 0.56, मतलब लगभग लगभग 0.56। ठीक है, देखोगे डेसिमल दो तीन प्लेसेस तो देखोगे तो 0.56 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैं इग्नोर कर दूंगा, बीटा इसके आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन का पिद्दी समास है। ठीक है, 1000 गुना छोटा लगभग होता है, तो इसको हटा दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो लगभग लगभग वही आ जाएगा। अब रही बात इसकी एनर्जी, तो इसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी है, और जब ये सॉल्व करोगे ना बहुत कम एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है, पीछे आंसर देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दे रखा है। ठीक है, तो ये एनर्जी बहुत कम आती है, मैंने पहले ही बताया था जो डॉटर होता है वो हैवी होता है तो वो बहुत कम एनर्जी पाता है, और कैलकुलेशन में भी वही आ रहा है। मेन यहां बात क्या सीखने वाली थी वो समझो, हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया और यहां पर मास एनर्जी कंजर्वेशन की बात करी, तो उससे हमने सॉल्व किया। इस रिलेशन को लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक साथ बता दिए। ठीक है,